हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाईवे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंजक्शन क्या होती है और उसके टाइप्स विद एग्जांपल्स, और बिल्कुल हिंदी में समझेंगे ताकि वो ज़िंदगी भर हमें ना भूल पाए। चलिए देखते हैं कंजक्शन क्या होती है। सबसे पहले छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए ये एक पैरा है और इसमें कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, आप उसको अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सोनिया एंड तराशी गेट एडमिशन इन द सेम स्कूल। सोनिया और तराशी ने एक ही स्कूल में एडमिशन लिया। सोनिया लंबी है लेकिन तराशी छोटी है। सोनिया इज टॉल बट तराशी इज शॉर्ट। सोनिया लाइक्स ग्रीन वेजिटेबल्स। सोनिया को हरी सब्जियां पसंद हैं बट तराशी लाइक्स फ्रूट्स एंड जंक फूड। तराशी को फल और बाहर का खाना अच्छा लगता है। सिया, रितु एंड द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जॉइन सोनिया एंड तराशी इन लंच टाइम। हम इसकी जगह देम भी यूज़ कर सकते थे बट एक एंड का यूज़ दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिया है। सिया, रितु और दूसरे बच्चों ने भी उनको लंच टाइम में ज्वाइन किया। सोनिया एंड तराशी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। वो बहुत खुश हैं अब। क्यों? बिकॉज को होता है क्यों। दे गेट न्यू फ्रेंड्स। उनको नए फ्रेंड्स मिले हैं इन द स्कूल। बहुत एक सिंपल सा पैराग्राफ था, कुछ अलग लगा। मैंने जो ये रेड वर्ड्स कर रखे हैं, कुछ समझ में आया ये रेड वर्ड्स क्या है? हैव यू सीन द रेड वर्ड्स इन द अबव स्टोरी? एक बार और ध्यान से देखेंगे। एंड, बट एंड बिकॉज, ये क्या कर रहे हैं? जब हम कोई बात कर रहे हैं उसको, हमारी बात को जोड़ के रख रहे हैं। जैसे सोनिया लंबी है लेकिन तराशी छोटी है। सोनिया को तो हरी सब्जियां पसंद है लेकिन तराशी को सिर्फ फ्रूट्स और जंक फूड पसंद है। आपने देखा ये क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही वर्ड्स तो कंजक्शन है जो ज्वाइन करती है सेंटेंसेस को, उन्हीं को ही हम कंजक्शन बोलते हैं। जो हम वाक्य बोल रहे होते हैं उसमें ब्रेक ना देते हुए अगर कोई वर्ड जो उनको ज्वाइन करने का काम करता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, तो कंजक्शन क्या होते हैं? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब कंजक्शन की डेफिनेशन हिंदी में बहुत ही सरल। वो वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं किसको? वर्ड्स को, मतलब शब्दों को, क्लॉजेस को, मतलब वाक्यांश को, वाक्य के छोटे छोटे अंश, फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पूरे पूरे वाक्यों को। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल कंजक्शन के। ही बॉट अ बुक एंड अ पेन। देखिए ये क्या है, ये भी वर्ड है एक, अ बुक एंड पेन। उसने एक किताब और एक पेन खरीदा। और हिंदी का और, ये सब क्या है? वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं। जो भी नाउन्स को जोड़ रहा है एंड, वो क्या है? कंजक्शन। नीलाज हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक। नीला के हेयर, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, नीला के हेयर लंबे हैं और काले हैं। ये वर्ड को जोड़ रहा है, कंजक्शन है। हम अगर ऐसे बोलेंगे नीलाज हेयर इज लॉन्ग फुल स्टॉप, नीलाज हेयर इज ब्लैक, बार बार रिपीटिशन एंड ऑकवर्ड लगता है, उस स्थिति को हटाने के लिए कंजक्शन यूज होता है। दिस इज अ सर्कल बट दैट इज अ स्क्वायर। ये एक सर्कल है, गोलाकार आकृति है और ये एक वर्गाकार आकृति है। लेकिन जब भी आपको कंपैरिजन करना हो या कुछ बताना हो, दिस इज गुड बट दिस इज बैड, आई लाइक दिस बट आई हेट दिस, उसके लिए क्या करते हैं? बट। द बुक इज स्मॉल बट हैवी। ये बुक छोटी है लेकिन भारी बहुत है।
उसकी कुछ बात भी बता रहे हैं, कंपैरिजन करते हुए, इतनी छोटी है लेकिन इतनी भारी है. वुड यू लाइक द मिल्क इन अ ग्लास और कप, और का अर्थ होता है या. वुड यू लाइक हम यूज़ करते हैं कि क्या आप चाहोगे, क्या द मिल्क दूध ग्लास में या कप में. जब आपके पास कोई ऑप्शन दी जाती है कि इनमें से पहली ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन में से कोई भी अगर एक हो तो चल जाएगा, उसके लिए हम या यूज़ करते हैं. जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, लाइक दिस. वुड यू लाइक पिज़्ज़ा और बर्गर, ठीक है. प्लीज पास द सॉल्ट एंड पेपर, मुझे काली मिर्च और नमक दोनों ही चाहिए, प्लीज पकड़ा दीजिए. ओके, माई ग्रैंडफादर इज स्लो, मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत धीरे कार्य करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है. अब कंजक्शन के टाइप्स क्या होते हैं. तीन तरह की कंजक्शन होती हैं, बहुत सिंपल सी थी और इसके टाइप्स भी सिंपल से हैं. देखने में बहुत बड़े बड़े से लग रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फर्स्ट टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सेकंड टाइप सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, और थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन. चलिए पहला देखते हैं. नाम थोड़े से लर्न करने में आपको हो सकता है थोड़ा टफ हो, बट लेकिन अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सी सी एस सी कोको, जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म टू मेमोराइज इट, कि आपको ये कभी भूले ना. सी सी मतलब इधर भी कोको है, आई नो दैट, बट आप इसको कोरको भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कोरिलेटिव था. इसको बोल सकते हैं सी सी एस सी कोरको, की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिंग कंजक्शन. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये मेमोराइज कराने का तरीका बताया कि आपके बच्चे या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो भूले नहीं. इट इज जस्ट अ ट्रिक. देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है. ऐसी कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़े लेकिन उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम हो. इसका क्या मतलब हुआ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. अब इतना टफ वर्ड बीच में, बहुत इजी है, मत समझो. कहने का मतलब, जब हम बात करें जो कंजक्शन का ऐसा वर्ड किसको जोड़े जो इधर भी वर्ड हो इधर भी वर्ड हो, मतलब दोनों तरफ वर्ड होने चाहिए. इधर भी सेट ऑफ वर्ड्स हो उधर भी सेट ऑफ वर्ड्स हो, इधर भी कोई वाक्यांश हो उधर भी कोई वाक्यांश हो, तो मतलब सेम सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. जैसे इधर वर्ड इधर फ्रेज, इधर क्लॉज इधर फ्रेज, अलग अलग नहीं होना चाहिए. इधर वर्ड है तो इधर भी वर्ड है, इधर फ्रेज है तो इधर भी फ्रेज है, इधर क्लॉज है तो इधर भी क्लॉज है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पीछे वाले में देखा था, मैं एक बार आपको पीछे स्लाइड दिखाती हूँ, कि ही बॉट अ बुक एंड अ पेन. इट इज अ नाउन अ पेन एंड इट इज ऑल्सो अ नाउन एंड अ वर्ड बुक. तो बुक और पेन को जो ज्वाइन कर रहा है एंड है, ये क्या है वर्ड है. लॉन्ग ब्लैक इट इज ऑल्सो ए वर्ड एंड द एंड वर्ड इज ज्वाइनिंग द वर्ड्स, ठीक है. इसके एग्जांपल्स में आता है बट, बट का अर्थ है लेकिन, लेकिन एंड का मतलब है. एंड वहां लगता है जब दोनों ही चीजें चाहिए हों या दोनों ही चीजें पसंद हो, दोनों चीजों के बिना गुजारा ना हो, एंड लगता है. और का अर्थ है या. आपको दो ऑप्शंस दे रखी होती हैं और आपको एक ऑप्शन में ही आपका काम बन जाता है. यू आर हैप्पी विद वन सिचुएशन विद वन ऑप्शन, आप एक ही चीज से खुश हो जाते हैं, आपको एक कंडीशन ही बहुत है. सो मैंने होता है इसलिए, नोर मैंने होता है ना तो, येट मैंने होता है फिर भी. फिर भी कब लगता है, जैसे कि आपने काम कर लिया, नॉट येट अभी नहीं. फोर मतलब के लिए. ये सब एग्जांपल्स थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, ठीक है. अब आपको मैं सब कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के. जो वर्ड्स को वर्ड से,
फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से जोड़ता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, सीसी कहलाता है. ही ऑलवेज सिट्स इन द लाइब्रेरी और इन द क्लासरूम. इन द लाइब्रेरी, इन द क्लासरूम, देखो सेम क्लॉज है, इन द लाइब्रेरी क्लासरूम, कि वो हमेशा या तो लाइब्रेरी में मिलता है, बैठता है, या क्लासरूम में बैठता है. ठीक है ना, सेम है मतलब, लेकिन एक कंडीशन में ही उसका गुजारा हो जाता है. सेंटेंस कहता है कि एक कंडीशन में वो संतुष्ट है, या तो वो यहाँ मिलेगा या वो यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों चीजों में मिलेगा. एंड एंड मतलब हिंदी का अर्थ का और. नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट मैंगो एंड बनाना. भाई मुझे तो मैंगो और बनाना दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद हैं. ऐसा नहीं है मैंगो और बनाना कुछ भी चलेगा, पसंद की बात हो रही है, दोनों बारे में बता रहे हैं कि दोनों ही पसंद है, तो एंड लगेगा. शी रिक्वेस्टेड हिम फॉर हेल्प, उसने उससे सहायता मांगी, लेकिन बट ही डिड नॉट हेल्प हर, उसने उसकी सहायता नहीं की. ये इधर भी क्लॉज है, इधर भी एक पूरा वाक्य है, इधर भी वाक्य है, वाक्य का अंश है, तो ये उसको जोड़ रहा है. बट ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, लेकिन इसको फिल कैसे करते हैं वो हम हिंदी के अर्थ से करते हैं. जैसे या तो वो लाइब्रेरी में मिलेगा, ही ऑलवेज सिट्स इन लाइब्रेरी, वो या लाइब्रेरी में बैठता है या क्लासरूम में. मुझे आम और बनाना दोनों पसंद हैं, उसने मदद मांगी, लेकिन एक्सप्लेन करा जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है कि आगे क्या हुआ, उसने हेल्प नहीं की. बट जो होते हैं किंतु परंतु लेकिन को दर्शाता है. एंड जब दोनों चीजें जरूरी हो, माउस के कर्सर से अच्छे से समझिएगा, मैं उसी के ऊपर ही पॉइंट आउट कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. और का मतलब होता है या, एक चीज से जब काम हो जाए. सो मैंने होता है इसलिए, फॉर मैंने होता है के लिए, येट मैंने होता है फिर भी, नोर मैंने होता है ना तो. जैसे अगर सो वहां लगेगा कि उसने एक टेस्ट, उसने अच्छी तैयारी की थी इसलिए उसके अच्छे नंबर आए. ठीक है, फॉर के लिए, जहां भी हिंदी में के लिए का अर्थ बन रहा हो वहां फॉर लगाते हैं. येट मतलब आप बताए कि अभी नहीं, नॉट येट, फिर भी, नहीं हुआ अभी, कुछ इस तरह से मीनिंग हो तो उसके लिए येट लगता है. चलिए सेकंड कंजक्शन का टाइप देखते हैं, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन. बड़ी इंटरेस्टिंग कंजक्शन है. कहते हैं ना जब हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें कई बारी क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तरीके से मैं अच्छे से समझाऊंगी कि जब तक मैं नहीं आ जाता आप हिलना मत, है ना, आप हिलना मत, मतलब उसमें एक वाक्य में, एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज, और ये दोनों ही सेम लिख दिए मैंने, एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, और कंजक्शन जो होती है मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जो जोड़ती है, ठीक लिखा है, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जो जोड़ती है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है. पहले डिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है, बाद में मेन क्लॉज आ सकता है. सेकंड वाले स्टार वाले में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि पहले मेन आ सकता है, बाद में डिपेंडेंट आ सकता है, या फिर पहले डिपेंडेंट आ सकता है, बाद में मेन क्लॉज आ सकता है, और जो इन क्लॉज को जोड़े कंजक्शन वो कहलाती है सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, जो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना वो अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो पूरा होता है. जैसे हिलना मत, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब तक मैं ना आ जाऊं आप हिलना मत अपने आप में पूरा है, लेकिन ये वाक्य जब तक मैं ना आ जाऊं ये अधूरा है, अपने आप में पूरा नहीं है, तो इट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. और ऐसे क्लॉजेस को जो कंजक्शन जोड़ती हैं उसे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबॉर्डिनेट कंजक्शन, दो क्लॉज होते हैं मेन और डिपेंडेंट, उसको जो कंजक्शन जोड़े सबॉर्डिनेट कंजक्शन. डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो अधूरी लाइन हो,
इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है मेन क्लॉज, जिसका स्टैंड अलोन भी कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने या सेंटेंस बने. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हैं सारे ही सबॉर्डिनेट कंजक्शन के. मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताती हूँ. ऑल दो, हालांकि, दो भी होता है उसका मतलब भी हालांकि होता है. दोनों को यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली ऑल दो यूज किया जाता है. दो को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं किया जाता मोस्टली. अगला है बिकॉज, क्योंकि, बिफोर, इससे पहले, इफ, अगर, हाउ, कैसे, सिंस, जब से, टाइम की बात हो रही है, वंस, एक बार, टिल, जब तक, और अंटिल, जब तक नहीं. जब अंटिल लगा होगा स्टेटमेंट में, सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, टिल में नॉट लगेगा. वेयर, वैसे तो वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में एज अ कंजक्शन आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है जहाँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमने अब तक वेयर का मतलब कहाँ पढ़ा है, लेकिन जब बीच में आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है जहाँ. सेम वेन का भी जब, व्हेनेवर, जब कभी, वेदर, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे ना लगे, जब वैसी कंडीशन बनती है तब वेदर बताते हैं. वेदर आफ्टर यूज टू एक्सप्रेस डाउट, संदेह को व्यक्त करने के लिए. वाइल मैंने होता है जबकि, एज सून एज मैंने होता है जैसे ही, मुझे तुरंत इसका आंसर भेजना जैसे ही तुम्हें मेरी मेल मिल जाए. इवन इफ, मैं ये काम जरूर करूंगा भले ही तुम्हें अच्छा लगे ना लगे. जब ये सेंटेंस बनेगा इवन इफ लगेगा. प्रोवाइडेड दैट, उसे उपलब्ध कराया जाएगा या कराया गया, ऐसे वाक्यों में प्रोवाइडेड दैट लगेगा. नो मैटर हाउ, मैं इस काम को करके रहूंगा चाहे कुछ हो. नो मैटर हाउ. तो ये थे सबॉर्डिनेट कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल. सेंटेंसेस में इसके हम कुछ यूज देखते हैं. देखिए, although it is raining, it is too hot today. हालांकि बारिश हो रही है, फिर भी इतनी गर्मी है. It is too hot today. मतलब बताया गया हालांकि बारिश हो रही है, गर्मी फिर भी है. जब ये कंडीशन बताई जाए तो although अपने आप में ये काम कर देगा सबका कि गर्मी है, हालांकि बारिश हो रही है, गर्मी है, पर ये बताए, जब ये भाव व्यक्त करे तो although लगता है. द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट, स्टूडेंट ने टेस्ट फेल कर दिया. क्यों? कोई रीज़न? बिकॉज, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी. ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ा ही नहीं. इवन इफ स्टडीज हार्ड, चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, ही कैनॉट बी सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो सकता. ये बताया क्लॉज चाहे. माई सिस्टर बिलीव्स, मेरी बहन को लगता है, विश्वास है दैट, कि मुझे एक राइटर बनना चाहिए, दैट आई शुड बी अ राइटर. दैट की, दैट का मतलब कि, जब किसी की बात बताई जाए कि. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा चाहे मैं सफल हूं या ना. ठीक है. आई डिड नॉट हैव सो मैनी फ्रेंड्स अनटिल आई वॉज एडमिटेड टू कॉलेज, मेरे तब तक इतने फ्रेंड नहीं थे जब तक कि मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लिया. जब तक नहीं ले लिया, अनटिल मीन्स जब तक नहीं ले लिया. वेयर एवर आई गो, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, आई ट्राई टू इन्जॉय माई सेल्फ, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ. यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, आप टीवी नहीं देखने वाले. अनटिल, जब तक कि नहीं करते क्या, अपना खाना रात का ख़त्म. ओके, जब तक नहीं, टिल मैंने जब तक, टिल आई एम हेयर यू डोंट नीड टू वरी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की या तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जब ऐसे भाव हो तो टिल लगता है. ओके, चलिए हम थर्ड कंजक्शन पे जाते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन. इसको करने का तरीका बड़ा मज़ेदार होता है. ये जब आपको एक वर्ड दिखेगा ना, साथ ही साथ दूसरा वर्ड अपने आप दिमाग में आ जाएगा. बस इसका ध्यान देने की ज़रूरत है. कहीं भी कंजक्शन आपको फिल करनी है या जब कुछ सेंटेंस बोलेंगे, आपके साथ सीधा निकलेगा मुंह से कि ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो. एक बार जब उसको तीन चार बार पढ़ देंगे ना, हमें जब हम पढ़ा करते थे तो इंग्लिश बड़ी इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज है, ये देखने में मुश्किल लगती है, लेकिन जब धीरे 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 से रूबरू होते हैं ना तो ये अच्छी लगने लग जाती है. हिंदी लैंग्वेज भी बहुत बहुत अच्छी है, बट अगर हम इसको पढ़ रहे हैं शुरू शुरू तो इतनी
इतनी ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन जब हम धीरे धीरे इसको करते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूल्स के अगेंस्ट जा रही होती हैं, लेकिन फिर भी जब हम उसको करते हैं तो हमें ताउम्र तक याद रहती है। ऐसे ये कोरिलेटिव कंजक्शन का है, इसका इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके कुछ वर्ड्स हैं, पेयर्ड वर्ड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और ऐसे ही यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, हम जब इंग्लिश अच्छे से कर लेते हैं तो ये अपने आप मुंह से निकलते हैं। जैसे इधर और, या तो तुम मुझे ये दे दो या फिर ये दे दो या मैं ये अपने आप कर लूँगा, मतलब इधर के साथ और लगता है, पक्का है, लगेगा ही लगेगा। जब सेंटेंस में नीदर आ गया, नॉर लगेगा ही लगेगा। पेयर्ड वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं जिसके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रिलेशन में, सेंटेंस में। वेदर और, बोथ एंड, जैसे बोथ के साथ एंड हमेशा लगेगा, हमेशा। जैसे बोथ द स्टूडेंट्स आर गुड एंड एंड वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली मतलब ये ही नहीं बल्कि ये भी, जब ये भाव आए ना तो ये एक लगता है, कोरिलेटिव कंजक्शन होती है ये, लेकिन ये पेयर्ड में यूज होते हैं। आप इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से यूज करना भी सीख जाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पेयर्ड वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, इधर लगा है तो और भी आएगा। समझ लीजिए ये बहन भाई होते हैं, जहाँ इधर वहाँ और, नीदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो एज, ताकि। नॉट ओनली मतलब ये ही नहीं, ये भी, नो सूनर देन, जैसे ही, जैसे जैसे मतलब समझो, जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश हो गई। द मोर, द मोर, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। सच दैट, वो इतना अच्छा है कि सब लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं है। राधर देन होते इसकी बजाय, जैसे कि I would like to have a coffee rather than tea. मैं कॉफ़ी लेने चाहूँगा चाय की बजाय, ठीक है। उसके लिए hardly when, scarcely when, मुश्किल से, जैसे मुश्किल से ही मैं पास हुआ था, मैंने इतनी वैसी मेहनत करी थी। hardly when, scarcely when, one and the same thing, एक ही मीनिंग है, लेकिन scarcely बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, hardly mostly यूज़ होता है। no sooner than रिपीट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये कि जैसे ही मैंने ये काम करा था, अब ये हो गया। इसमें नो सूनर देन पूरे का ही मतलब ये होता है, तो इसको हम इसी तरह से ही करेंगे ताकि ये पेयर्ड में रहें। ही मे बाय ईदर अ लैपटॉप और अ कैमरा, वो या तो कैमरा खरीद सकता है या फिर लैपटॉप। ही लाइक्स, उसे ना तो चाय पसंद है ना कॉफ़ी। ही लाइक्स नीदर टी नॉर कॉफ़ी। शी इज़ इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग, उसे ना केवल संगीत बल्कि गेम्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। नीदर तेजस नॉर हिज ब्रदर इज वेरी टॉल, ना तो तेजस ना ही उसका भाई इतने लंबे हैं। तेजस कैन बोथ, तेजस कर सकता है दोनों, क्या, लिख और पढ़ना, लिखना और पढ़ना दोनों कर सकता है, बोथ के साथ एंड आता है। अगला है नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली पीयूष, ना केवल पीयूष बल्कि वेदांत भी राजस्थान से है। I can have either cola or tea, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोला या टी कुछ भी चलेगा मेरे लिए। Her story is not so boring as theirs, अरे उसकी स्टोरी तो इतनी बोरिंग नहीं थी जितनी की औरों की थी, उसकी इतनी नहीं थी जितनी औरों की थी, उतनी जितनी, ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस सो एज अपने आप लगते जाते हैं, बस एक बार पढ़ने की जरूरत होती है, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। We had no sooner gone to bed than the phone rang, no sooner than, अभी हम बेड पे मुश्किल से लेटे ही थे, जो ही लेटे थे तभी फोन की घंटी बज गई। ही फेल्ट सो एंग्री, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। की सो दैट की, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर, वो इतनी सुंदर है, वो ऐसी एक सुंदर लड़की है जिसको सभी पसंद करते हैं। सच दैट ही मस्ट डू इट whether he likes it or no, उसे ये करना ही चाहिए चाहे उसे पसंद आए चाहे ना आए। I would rather go out than stay at home today, मैं तो बाहर जाना पसंद करूँगा घर में रहने की बजाय। He is not singing as loudly as he can, वो इतना ज़ोर से नहीं गा रहा है जितना कि वो गा सकता है। ये थे मेरी तरफ से कंजक्शन के ऊपर लेसन, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई। हो सकता है किसी को डाउट्स हों या कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। थम्स अप से मुझे ये पता लगेगा कि मैं एक राइट डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, और इसी तरह से
मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी काम करती रहूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र. थैंक यू.